स्क्रिप्ट वगैरह प्रिपेयर करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरे हाथ में पेपर है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं क्योंकि एकदम से माइंड में आता नहीं है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, फिर इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है और फिर दिक्कत होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम सूरज एंड यू आर वॉचिंग द जैट्स ऑफ व्लॉग्स। हमारे साथ आज है, एज यू नो, आई डोंट नो यू नो और नॉट, मैं नए हॉस्टल में शिफ्ट हो गया और मेरे साथ आशय है। I would request Ashay to introduce, भाई कौन हो, क्या करते हो? भाई बस अपन तो एक दूसरे को जानते ही हैं। मैं so I am Ashay, मेरा नाम आशय है। मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ। अभी मैं हैम्बर्ग शिफ्ट हुआ मेरे काम की वजह से, बट मैं TU बर्लिन में मास्टर्स कर रहा हूँ ग्लोबल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, तीन ये मेरा चौथा सेमेस्टर चल रहा है। तो तीन सेमेस्टर्स में मेरे सारे क्रेडिट्स वगैरह कंप्लीट हो गए और उसके बाद अभी मैं यहाँ इंटर्नशिप और वर्किंग स्टूडेंट के लिए शिफ्ट हुआ। अच्छा, नाइस। तो भाई TU बर्लिन में है, वहाँ से GPE कोर्स जो है ग्लोबल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वहाँ पे एडमिशन है भाई का, सारा कंप्लीट हो गया इंटर्नशिप वगैरह के लिए, वर्किंग स्टूडेंट के लिए यहाँ पे। तो आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है? आज का वीडियो मैं स्टार्टिंग में बता दूँ आपको कि सारा वर्किंग स्टूडेंट के बारे में होने वाला है, कि वर्किंग स्टूडेंट क्या होता है, उसके अलावा उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। और आशय जो है वर्किंग स्टूडेंट लगभग लास्ट 3 months और 5 months, हाँ काफी टाइम से कर रहे हैं, मतलब चार महीने हो गए। तो मैंने ये सोचा कि भाई जो बंदे हैं जो आते हैं, इंस्टेड ऑफ वर्किंग डायरेक्टली गोइंग टू अ लेबर जॉब और समवेयर, मैं ये सोचता हूँ कि वर्किंग स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहे, हम लोग एंड तक सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई क्या होता है वर्किंग स्टूडेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आशय तूने बता दिया भाई कि वर्किंग स्टूडेंट जो है, अभी तू वर्किंग स्टूडेंट कर रहा है, तो वर्किंग स्टूडेंट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये चीज के वर्किंग स्टूडेंट जर्मनी में होता क्या है, मतलब ये कंसेप्ट क्या है कि वर्किंग स्टूडेंट आते से बंदा वर्किंग स्टूडेंट कर सकता है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली वर्किंग स्टूडेंट? देख, वर्किंग स्टूडेंट एक काफी सिंपल कंसेप्ट है। जैसे इंटर्नशिप में हम लोग 40 घंटे काम करते हैं, मतलब 5 दिन 8 घंटे, तो 40 घंटे हो गए। हाँ, वैसे वर्किंग स्टूडेंट में हम लोग हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे काम करते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ 2.5 डेज पर वीक। तो इसका फायदा ये है कि बाकी 2.5 डेज आप पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। सो इट्स बेसिकली एन एक्स्ट्रा इनकम व्हाइल यू आर लर्निंग, लाइक अर्न व्हाइल यू लर्न का एक कांसेप्ट है, जिसमें आप 2.5 डेज हफ्ते में या 20 घंटे पर वीक मैक्सिमम काम कर सकते हो। अच्छा, और वो कंपनी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी 20 घंटे मैक्सिमम होता है, 20 घंटे होता है, कभी 16 होता है, कभी 15 होता है, ये सेमेस्टर टाइम में। बट अगर सेमेस्टर नहीं चल रहा है आपका, तो 20 घंटे के ऊपर भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अच्छा, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो अगर आपको ज्यादा काम देना चाहेगी नहीं चाहेगी। और ये कंपनी ज्यादा काम सेमेस्टर के, अगर सेमेस्टर आपका फ्री हो तभी देती है, जो सेमेस्टर ब्रेक होता है। अगर काम होगा और हमको करना है तो वो 20 घंटे से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, तो मैंने मेरे अक्टूबर और नवंबर में मेरे कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, तो मैंने 20 घंटे की जगह 30 घंटे कर दिया है। अच्छा, बट यूजुअली 20 आवर्स इज द लिमिट। अच्छा अच्छा, तो भाई ये चीज तो हो गई कि वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद भाई मेरे को ये बताओ कि वर्किंग स्टूडेंट में, मतलब अप्लाई करते टाइम क्या क्या डिफिकल्टीज आई, या फिर मैं बोलूंगा कि किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई, कि भाई मैंने सोचा कि बंदे यहाँ आते हैं एकदम से, वो ये नहीं सोचते, उनको इतना पता नहीं होता कि भाई ऑफिस में भी काम होता है। वर्किंग स्टूडेंट मतलब ऑफिस में ही काम होता है, आपको कहीं बाहर लेबर जॉब वगैरह करने नहीं जाना। तो क्या क्या डिफिकल्टीज आई, किस तरह से अप्लाई किया, मतलब टेल मी योर होल जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग, लाइक स्टार्टेड व्हेन डिड यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर वर्किंग स्टूडेंट, और उसके बाद किस तरह से क्या क्या डिफिकल्टीज आई, कैसे मिली जॉब और क्या क्या चीजें हुई? मुझे भी पहले वर्किंग स्टूडेंट क्या है पता नहीं था। अच्छा, स्टार्टिंग के 1 ईयर तक मैं जब यहाँ था। हाँ, उसके बाद 3 सेमेस्टर बाद हमारे कोर्स में एक कंपोनेंट है मैंडेटरी इंटर्नशिप का। ओके, तो वो मैं मैंडेटरी इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन कर रहा था। तो मैंडेटरी इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन करते टाइम लाइक आई हैड टू अप्लाई टू कंपनीज, और मेरी ऑप्शंस काफी कम हो जा रहे थे क्योंकि मेरी जर्मन लैंग्वेज अच्छी नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग है, तो इसीलिए लाइक आई हैड अ वेरी फ्यू ऑप्शंस। ओके, तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे अप्लाई कर रहा था, नेटवर्क्स को पूछ रहा था कि आर देयर एनी ओपनिंग्स और समथिंग। तो उस वो करते करते मैंने एप्लीकेशन किया, फिर अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मेरी इंटर्नशिप लगी। उस इंटर्नशिप में
मैंने परफॉर्म अच्छा किया तो उन्होंने मेरी 6 महीने की इंटर्नशिप 3 महीने की कर दी और उसके बाद मेरे को लॉन्ग टर्म वर्किंग स्टूडेंट के लिए रख दिया, लाइक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने दे दिया कि यू कैन वर्क टिल यूर एक्समेट्रिकुलेटेड। अच्छा, तो इसमें सबसे मेजर डिफिकल्टी मैं ये कहूँगा मेरे हिसाब से कि जर्मन लैंग्वेज ये बहुत बड़ा इशू था मेरे लिए। okay. क्योंकि मेरी आप तो जानते ही हो A1 नहीं बोल सकता हूँ तो और कुछ नहीं तो वही है, इंग्लिश पे फोकस करना था मेरे को। तो मेरे को 100 में से सिर्फ 20 जॉब्स आपके एप्लीकेशन करने होते थे, लाइक 100 ऑप्शंस में से सिर्फ 20 में कर सकता था मैं। और वही है CV पे फोकस करना, CV हर एप्लीकेशन के बाद, हर 2-4 एप्लीकेशन के बाद चेंज करना अगर आपको रिप्लाईज नहीं आ रहे तो। अच्छा, जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन हुआ, इंडीड हुआ, स्टेपस्टोन हुआ, ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स पे बस ढूंढते रहना है फॉर गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एंड या कीप अप्लाइंग, दैट्स व्हाट। तो मतलब स्टार्टिंग में लेट्स से लाइक हाउ मेनी एप्लीकेशंस डिड यू, लाइक कितने एप्लीकेशंस टोटल आपने किए स्टार्टिंग में, जब जाके आपको मतलब लेट्स से 100 में से 20 आते थे, 30 आते थे, रिप्लाईज कितने आते थे और इंटरव्यूज के लिए कितना हुआ और मतलब कितने एप्लीकेशन किए थे? मैंने लगभग मेरे केस में मैंने कम किए थे, बट यूजुअली ज़्यादा होते हैं या मेरे से भी कम होते हैं, लाइक आई डोंट हैव द नंबर, बट 50-60 एप्लीकेशंस किए मैंने और उसमें मेरे 5 इंटरव्यूज हुए। अच्छा, लाइक 5 अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यूज हुए और मैंने 50-60 डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, और ये जॉब प्रोफाइल के लिए जो अप्लाई किया था ये डायरेक्ट डिड यू अप्लाई फ्रॉम ऑल दिस जो जहाँ पर वेबसाइट्स होती है जो आपकी वहां से अप्लाई किया या फिर यू वेंट इनसाइड द कंपनी प्रोफाइल इन करियर्स एंड देन यू अप्लाइड फ्रॉम देयर? हाँ, तो मैं यूजुअली यही करता था, जैसे जॉब सर्चिंग जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर मैं जॉब देखता था, फिर कंपनी के वेबसाइट पे जाके उसके करियर पोर्टल थ्रू अप्लाई करता था। अच्छा, लाइक किसी ने आपको बताया नहीं बट लाइक आई यूजुअली ऑप्टेड दिस वे। बाकी डायरेक्ट एप्लीकेशन भी होता है उन साइट से, बट आई हैव नेवर डन दैट। अच्छा अच्छा, तो देखो भाई ऐसा है कि जो बच्चे सोचते हैं कि यार जर्मन आनी ही चाहिए सीखने के लिए या फिर मतलब सीखने के लिए इन द सेंस कि वर्किंग स्टूडेंट करने के लिए जर्मन आनी ही चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है भाई जर्मन इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ जॉब एज वर्किंग स्टूडेंट, कि भाई जरूरी है ही आनी ही आनी चाहिए आपको या फिर बिना जर्मन के भी काम चल जाएगा, वर्किंग स्टूडेंट आपको इजिली मिल जाएगा? इजिली नहीं थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आसान तो नहीं, मुश्किल तो नहीं, बट नामुमकिन भी नहीं, नामुमकिन नहीं है। ओके, तो वही है, बट जर्मन आना ऑलवेज इज एन एडवांटेजियस, बट जैसे आपने कहा अगर जर्मन आती नहीं है, जैसे मेरे केस में या मेरे कोई बहुत सारे दोस्त है जिनके केस में, बट वी आर स्टिल वर्किंग एज अ वर्किंग स्टूडेंट और एन इंटर्न, तो वही है लाइक यू हैव टू सर्च फॉर द राइट प्रोफाइल इन अ राइट कंपनी और बस वो इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट एंड जस्ट ग्रैब इट। अच्छा, तो वही है, बट आई वुड से कि अगर जर्मन आती नहीं है तो इसका मतलब मोरल डाउन नहीं करना है, इट्स यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ वर्किंग बाय कीपिंग इंग्लिश एज योर ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा आ रहा है और मतलब जर्मन तो जिसको आती है वो यहाँ आ रहा है तो उसके लिए तो बहुत प्लस पॉइंट है, लेकिन कोई ऐसा बंदा जैसे कि आपके कोर्स में एडमिशन लिया है जिसने कि कोई उसका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है और उसे सिर्फ इंग्लिश ही आती है और वो यहाँ पर लैंड करता है, तो व्हाट शुड ही ऑप्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती है, डिलीवरी जॉब्स होती है, उसके बाद लेबर जॉब्स भी काफ़ी सारी होती है, बेकरी में जॉब होती है और एक साइड तो ये सारी जॉब्स होती है और दूसरी साइड वर्किंग स्टूडेंट, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर अ गाय लाइक हु डजंट नो जर्मन, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको कौन सी जॉब के लिए क्या वर्किंग स्टूडेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस रखना चाहिए क्योंकि आपके CV में भी ऐड होगा, वो वर्क एक्सपीरियंस में भी जाएगा, यू विल अर्न ऑल्सो, आपके फील्ड में रहोगे काम करते मतलब पढ़ते पढ़ते। अच्छा, तो ऑब्वियसली लाइक यू शुड ऑप्ट फॉर दैट, बट वर्किंग स्टूडेंट का जॉब मिलना इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, जैसे लिफ्रंडो हो गया या जेन जॉब्स के थ्रू अगर आपने ले लिया जॉब तो यू स्टार्ट इन अ वीक और समथिंग, बट वर्किंग स्टूडेंट के लिए आपको CV बनाना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन करने पड़ते हैं, आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, यू हैव टू गिव द इंटरव्यूज, इंटरव्यूज के रिप्लाई आने में टाइम लगता है, तो इट्स अ प्रोसेस, तो प्रोबेबली लाइक यू स्टार्ट वर्किंग एज अ लेबर जॉब, मिनी जॉब वगैरह कुछ तो कर लो हफ्ते के 12 घंटे 20 घंटे। अच्छा, और फिर तब तक एप्लीकेशन चालू रखो, इंटरव्यूज चालू रखो, एंड देन वंस यू गेट इट या देन अगर वो मिल गया ना तो वो एक लंबे समय तक मिलता है और उसके बाद आपका वर्किंग स्टूडेंट टू फुल टाइम कन्वर्जन के भी चांसेस हाई होते हैं।
तो वो एडवांटेजियस है लाइक। हाँ मतलब ऑब्वियस है कि भाई अगर किसी कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ एज अ वर्किंग स्टूडेंट, अगर मैंने अपना 100% या 200% दे दिया तो वो ऊपर वाले भी ऑफिशियल सोचेंगे कि भाई काम का बंदा है तो इसको हम हमेशा के लिए रख लेते हैं। मतलब ये एक एडवांटेज होता है वर्किंग स्टूडेंट का कि भाई आपने किसी कंपनी कोई कंपनी ज्वाइन की और आप परमानेंट एम्प्लॉय वहाँ बन सकते हो। तो ये चीज है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से या फिर सजेशंस की कुछ? और हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज ये कि जैन जॉब करके एक एप्लीकेशन है, अगर जिन लोगों को नहीं पता है जो लोग स्टार्टिंग में यहाँ आते हैं, जैन जॉब एप्लीकेशन आप ऑनलाइन डाउनलोड करो, वहाँ पे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है, आप वहां से शिफ्ट सिलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट आप जैसे डिलीवरी जॉब हो गई और बहुत सारी जॉब से उसमें अप्लाई आप कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे कि ज़ारा हो गया, ज़ारा में भी आपकी जॉब लगती है, H&M है, तो ये लागर होते हैं, वहां पर आपको कुछ नहीं है, सामान एक जगह से दूसरे के ले जाना पड़ता है। तो एक ये एप्लीकेशन है वो आप कर सकते हो, कोई पेड वगैरह नहीं है, ये हम बस बता रहे हैं कि पता चले हो। तो भाई और कोई सजेशन कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वर्किंग स्टूडेंट से रिलेटेड? बस सीवी में सीवी बनाओ अच्छा खासा और एप्लीकेशन शुरू रखो, एप्लीकेशन शुरू करो। और ऐसा है कि आते से ऐसा नहीं है कि अगर जिनको है बैठो मत, स्टार्ट कर दो 450 वाली स्टार्ट कर दो चाहे, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ शुरू करो एप्लीकेशन। ये मुझे पता नहीं था, अगर आप जैसा व्लॉग वगैरह देखता मैं तो बढ़िया समझ आता, बट अभी तब मुझे पता नहीं था काफी एडवांटेजेस है। वही यार, क्योंकि ये थोड़ा बहुत छोटे मोटे टॉपिक होते ना वो इग्नोर कर देते कि भाई चल ठीक है इतना ना पता ही होगा, लेकिन पता नहीं होता, नहीं होता पता। तो ये सब था वर्किंग स्टूडेंट के बारे में। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पर्सनल मुझे इंस्टा पे कर देना, भाई का इंस्टाग्राम आईडी ये है, भाई के इंस्टा पे कर देना, ज्यादा डिस्टर्ब मत करना, मतलब ऐसा नहीं कि दे दे दे, क्योंकि मैं देखता हूँ यार बच्चे मैसेज करते हैं ना तो एक क्वेश्चन पूछ लिया, दो क्वेश्चन पूछ लिया, फिर एकदम भाई की तरह, अरे यार ये बताओ कैसे ऐसा नहीं। तो मैसेंजर इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज करो, पूछो और डाउट हो तो आई बी देयर फॉर यू। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगाओ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं, खुश रहो खुश रखो। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ चाओ।